और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अपना गुस्सा मीडिया के सामने जाहिर किया है। पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह ने कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटाए जाने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। सुजाता सिंह के मुताबिक अचानक हटाया जाना उनके करियर पर दाग जैसा है और अपनी सेवा के लिए वो सम्मान के साथ विदाई की हकदार है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में सुजाता सिंह ने दावा किया है कि उन्हें दिसंबर में ही पद छोड़कर 3 या 5 साल तक संवैधानिक पद देने का विकल्प दिया गया था। दरअसल ये इंटरव्यू एनडीटीवी को दिया गया था, उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर के तौर पर छापा है आज। और सुजाता सिंह ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सुजाता सिंह के मुताबिक विदेश नीति को लेकर उन्होंने और विदेश मंत्रालय ने कभी पीएम को निराश नहीं किया है, यानी उन्होंने जो कामकाज विदेश नीति को लेकर आगे बढ़ाया बीते 8 महीने में, उसमें कभी भी नाखुशी नहीं देखी गई प्रधानमंत्री की तरफ से। सुजाता को 2 दिन पहले विदेश सचिव के पद से हटा दिया गया था और नवनियुक्त विदेश सचिव एस जयशंकर नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन इस बाबत जो जानकारी मिल रही थी कि सुषमा स्वराज विदेश मंत्री संतुष्ट नहीं थी सुजाता सिंह को हटाए जाने को लेकर।